हाँ जी नमस्कार बंधुओं, जुड़िए कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर के साथ में, क्योंकि आज जो मैं आप विद्यार्थी से रूबरू होने वाला हूँ, उन विद्यार्थियों ने मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो टॉपिक पढ़ा था उसका आज अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, हमारे प्रत्येक संडे को हम टेस्ट पेपर आयोजित करते हैं, तो हम जानते हैं स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं कि किस प्रकार का इनका टेस्ट पेपर था और किस प्रकार के प्रश्नों का स्तर था, और क्या अपनी तैयारी को मूल्यांकन करने के लिए और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रकार के टेस्ट का आयोजन होना चाहिए। अभी तो कॉन्सेप्ट में नहीं, अभी तो पूरी सभी जो जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में और कितने प्रकार के ऐसे प्रयत्न किए जा सकते हैं जिससे विद्यार्थी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है, तो जानते हैं अपने एक स्टूडेंट से मिलते हैं। हाँ जी मैडम, आपका नाम क्या? सुमन श्रीमाली है। अभी चलो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। पहले कहीं कोचिंग की है या पहली बार कोचिंग कर रहे हो? कोचिंग तो पहले की है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट एकेडमी में से जुड़ने के बाद में आपको किस प्रकार का लगा कि यहाँ की जो टीम के बारे में कुछ बताना चाहोगे, संस्थान के बारे में बताना चाहोगे थोड़ा सा? सर यहाँ पे सर सारी टीम के बारे में बताऊंगी सर, की टीम तो बहुत ही अच्छी है और अपना 100% दे रही है सर, और सिलेक्टेड हमको मैटर मिल रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो आपने पीछे वाले वीक में जो टॉपिक पढ़ा था, आज का जो आपका टेस्ट पेपर था वो किस टॉपिक को लेकर के था? आज टॉपिक जो था वो आर्ट एंड कल्चर का था सर। आर्ट एंड कल्चर में भी कौन सा टॉपिक था? आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में हमारा लोक देवता था। क्या ये पढ़ा हुआ टॉपिक में से टेस्ट लिया या फिर बिना पढ़ाए हुए टॉपिक में से? नहीं सर, हमको पूरा पढ़ाया था टॉपिक तो कम्प्लीटली। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हम आपको पढ़ाने के बाद में हम आपका टेस्ट लेवे तो अच्छा रहेगा या फिर बिना पढ़ाए हुए टॉपिक में से टेस्ट लेवे तो आपको अच्छा रहेगा? इससे क्या ना कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जहाँ पर जो टेस्ट होता है वो किसी टॉपिक को बिना पढ़ाए हुए, मतलब हर किसी जगह से क्वेश्चन उठा देते हैं जिसे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर बाद में वो टेस्ट देते हैं और वहाँ पर उनके प्रश्न के गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोबल गिरता है। इसलिए जो टेस्ट होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि पहले अपने टॉपिक को पूरा क्लियर करो, एक बार टॉपिक का पढ़ लो, उसके बाद में उसी टॉपिक में से सिलेक्टेड प्रश्नों जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करना चाहिए और उससे टेस्ट लेना चाहिए, ताकि विद्यार्थी का मनोबल और बढ़े, ताकि उसको एग्जाम क्रैक करने के लिए उत्साहिता मन में और बढ़ जाए कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, मेरा टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर है। तो मैडम आपने आज के जो टेस्ट पेपर था उसमें कुल कितने प्रश्न आपको पूछे गए थे? हमको टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, और आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उसमें? प्रश्न पत्र में वही प्रश्न पूछे गए थे जो आपको समय पढ़ाया था, रिवीजन भी हुआ उसका। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट पेपर अभी आपने दिया है ना वो ओमार के ऊपर था, उसका रिजल्ट आपके कल आने वाला है और उससे पहले आज उसकी आंसर की आपको ऑफलाइन के अंदर आपको सोल्व करवाई जाएगी, जिसे आपका पूरा का पूरा जो वीक में पढ़ा है वही टॉपिक आपका पूरा का पूरा एक दिन में वापस रिवीजन हो जाएगा। तो जो टॉपिक आपने पिछले 6 दिनों में पढ़ा ना उसको 1 घंटे में आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, मतलब एक बार तो आपका टॉपिक क्लासरूम में सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद में आपका टेस्ट हो चुका, उसके बाद में वापस रिवीजन हो चुका, मतलब 1 वीक के अंदर एक टॉपिक को कितनी बार रिवीजन कर दिया? 3 बार रिवीजन हुआ। क्या इससे आपको फायदा मिलेगा या आपका नुकसान होगा? सर 100% फायदा होगा भाई। तो साथियों इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर जो है ना हमेशा विद्यार्थियों के लिए तत्पर रहा और हमेशा विद्यार्थी हित में काम किया और समय समय पर अच्छी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं और एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, और लास्ट में अंतिम जब एग्जाम का समय आता है तो हम MCQ लॉन्च भी करते हैं। तो जुड़ना ना भूलिए कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर के साथ में। 26 दिसंबर 2023 को कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर एक नए बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिस बैच का नाम होगा समर्थ बैच। तो जो भी विद्यार्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं 26 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे कॉन्सेप्ट एकेडमी उदयपुर के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।